हेलो एवरीवन, वेलकम टू जयास किचन स्थान। आज मैं आप सबके साथ बंगाल की बहुत ही स्पेशल रेसिपी इलिश माछेर झोल यानी कि हिल्सा फिश करी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनती है और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो सबसे पहले हम फ्रेश हिल्सा ले लेंगे, इसके बाद इसको हम अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें नमक और हल्दी मिक्स करूंगी और नमक और हल्दी को अच्छे से इस फिश में मिलाने के बाद लगभग 7 से 8 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम बैंगन लेंगे, यहाँ मैंने 2 से 3 बैंगन लिया है और उसको धोकर काट लिया है और उसमें नमक और हल्दी डालकर इसको अच्छे से मिला लिया है। इसके बाद हम एक मसाला तैयार करेंगे जिसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करके इसमें पानी ऐड करेंगे और उसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। दूसरी तरफ कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें सरसों तेल ऐड करेंगे और एक एक करके मछलियों को फ्राई करना शुरू करेंगे। मछलियों को दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करने के बाद इसी सेम तेल में हम बैंगन को ऐड करेंगे और बैंगन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करने के बाद इसे निकाल लेंगे। इसके बाद इस सेम तेल में हम 1/2 टीस्पून कलौंजी यानी कि काला जीरा ऐड करेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे हरी मिर्च और मसाला, और मसाला ऐड करते साथ ही हम नमक ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद इसको उबालने के लिए छोड़ देंगे। एक उबाल आने के बाद हम इसमें बैंगन ऐड करेंगे और उसके बाद मछलियों को भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसको ढककर हम पकने देंगे। दूसरी तरफ हम 1/2 टीस्पून आटा लेंगे और इसमें पानी मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस मिक्स को हम इस सेम फिश करी में ऐड करेंगे। इससे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद तैयार है हमारा इलिश माछेर झोल बैंगन दिए, जो खाने में बहुत ही अच्छी बनी थी और आप लोगों को भी इसे चावल के साथ ज़रूर ट्राई करना चाहिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।